भारत एक युवा देश, एक शक्ति, एक अवसर, उम्मीद, निर्माण और प्रगति की राह पर चलते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई सोच को जन्म दिया, स्मार्ट सिटी। इस महत्वाकांक्षी योजना के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के आगरा को जगह दी गई, जिसके फलस्वरूप एसपीवी के तहत अगस्त 2017 में आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड का गठन किया गया। 2133 करोड़ की आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना में विकास का एक मॉडल तैयार किया गया, जिसमें इस शहर के नागरिकों के लिए एक सुंदर, स्वच्छ एवं सुविधा से परिपूर्ण शहर बनाने की दिशा दी गई। किसी भी शहर की मजबूत आधारशिला उचित शिक्षा के माध्यम से रखी जाती है, इसलिए स्मार्ट सिटी परियोजना में शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। विद्यालयों के संपूर्ण विकास के लिए डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से सीखने का आधुनिक माहौल तैयार किया गया तथा विद्यालय के भवनों को सुधारने के लिए उच्च स्तरीय निर्माण किया गया, ताकि बच्चों को बदलते समय के अनुसार आधुनिक शिक्षा दी जा सके। आगरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विद्यालय में पेयजल व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, स्पोर्ट्स की व्यवस्था बहुत ही अति उत्तम है। स्मार्ट क्लासेस होने से हमारे जो विद्यालय का जो मूलभूत ढांचा था वो एकदम परिवर्तन हो गया। जैसे कि हमारी टीचर चैप्टर पढ़ाती थी बुक में, तो हम उसे 4 दिन में लर्न कर पाते थे, और स्मार्ट क्लासेस की वजह से अब हम सिर्फ 2 दिन में लर्न कर पाते हैं और अच्छी तरीके से उसे समझ भी जाते हैं। इतना ही नहीं, हमें प्योरिड आरओ की वजह से शुद्ध जल की प्राप्ति हुई है और कॉरिडोर की वजह से हमें छाया भी मिली। इन्हीं कारणों से पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष दाखिले हमारे विद्यालय में बच्चे ज्यादा ले रहे हैं। भारत की इस ताज नगरी को देखने हर साल दुनिया भर से करीब 90 लाख सैलानी आते हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने भ्रमण के दौरान यहाँ की कला और लोगों के हुनर से भी रूबरू होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आगरा की कला से जुड़े उद्योग के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। एबीडी एरिया के 4 कम्युनिटी सेंटर्स को अपग्रेड कर माइक्रो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स स्थापित किए गए। आगरा शहर में 4 माइक्रो स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिससे 100 से अधिक स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। इन 100 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1040 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ताजगंज क्षेत्र में परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इस योजना में महिलाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसका लाभ उनकी दैनिक जीवन में दिखने लगा है। आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना में स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे आगरा के पर्यावरण को साफ रखने में मदद मिलती है। लाखों सैलानियों और स्थानीय निवासियों के लिए स्मार्ट टॉयलेट का निर्माण इस परियोजना की सबसे खास उपलब्धि है। स्मार्ट खूबियों वाले सेल्फ क्लीनिंग ऑटोमेटेड टॉयलेट्स आरामदायक और सारी सुविधाओं से परिपूर्ण है, जिनके उपयोग से स्वच्छता के साथ साथ जल की बेवजह बर्बादी को रोकने में मदद मिली है। ताजमहल के अलावा भी आगरा में कई आलीशान इमारतें हैं, लेकिन समय के साथ वो अपना वर्चस्व खो चुकी हैं, जिसके लिए दरेशी रोड पर स्थित मुगल कालीन इमारतों और संरचनाओं का पुनर्निर्माण कर उनको उनका वास्तविक रूप दिया जा रहा है, जिससे यहां आने वाले हर देसी विदेशी पर्यटक को इस शहर की अहमियत पता चले। ऐसी महत्वपूर्ण संरचनाओं के विकास के लिए हेरिटेज वॉक शुरू की गई। आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पारंपरिक वास्तुकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पेश करती हेरिटेज वॉक यहां की अर्थव्यवस्था और सौंदर्यकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, और इसी के साथ हेरिटेज वॉक स्थानीय कारीगरों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान कर रही है। आगरा के रोड्स स्मार्ट सिटी मिशन की लाइफलाइन है, जिसके अंतर्गत शहर की सुचालित परिवहन व्यवस्था ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है। स्मार्ट सिटी परियोजना में अभी तक 7.5 किलोमीटर के फतेहबाद रोड को स्मार्ट रोड के तौर पर विकसित करने का काम शीघ्रता से पूरा किया जा रहा है। इस रोड पर लगी बिजली की तार
पानी और सीवरेज के पाइप्स को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। शहर में ताज ईस्ट ड्रेन का काम तेजी से चल रहा है, जो शहर के ड्रेनेज व्यवस्था को अंजाम देगा। इतना ही नहीं, स्ट्रीट वेंडिंग जोन का काम काफी तेजी से किया जा रहा है, जो एक व्यवस्थित लोकल मार्केट के साथ साथ सुसज्जित भी होगा। म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर के अपग्रेडेशन का काम भी लगभग पूरा किया जा रहा है, जो आगरा की स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी मजबूती प्रदान करेगा। सीसीटीवी कैमरा से लैस स्मार्ट रोड की सुंदरता, यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को शहर की खूबसूरती और सुरक्षा का एहसास करा रही है। इसी के साथ ट्रैफिक जैसी समस्या से निजात दिलाने के लिए आगरा के रोड एवं चौराहों को भी ट्रैफिक फ्री बनाने का काम पहले से ही शुरू किया जा चुका है। इन सब के साथ साथ 24/7 ABD एरिया में वाटर उपलब्ध कराने का भी काम किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ जल प्राप्त करना है। स्मार्ट सिटी का मिशन बिना डिजिटलाइजेशन के अधूरा है, इसलिए इस परियोजना को पूरी तरह लागू करने और सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा योजना पर निगरानी रखी जाएगी, जिससे किसी भी अनचाही घटना को तुरंत रोककर उसका समाधान निकाला जा सके। और यही पहचान यंग आगरा को नए कल की ओर ले जाएगी। अगस्त 2017 में शुरू हुई आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना में महज 1.5 साल के अंदर स्मार्ट सिटी की अधिकतर महत्वपूर्ण योजनाओं को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा रहा है। इतने कम समय में स्मार्ट सिटी से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स के टेंडर्स को अनुमति देकर कार्य को बड़ी तेजी से शुरू किया जा चुका है। प्रोजेक्ट की प्रगति को देखते हुए सभी योजनाओं को अगले कुछ महीनों में पूरा किया जाने की संभावना है। आइए हिस्सा बनिए सबसे बड़े अवसर का, उस पल का, जब आगरा को मिलेगी इंडिया की नई पहचान, स्वच्छ आगरा, स्मार्ट आगरा।